वेलकम बैक टू लिली आर्टिस्ट फैब्रिक वर्क्स। आज अप्रॉक्स 10-12 डेज़ के बाद मैं वीडियोस डाल रही हूँ, कोई शॉर्ट्स कम्युनिटी कुछ भी नहीं आ रहा था बिकॉज मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा अक्टूबर बैच था वो भी मैंने पोस्टपोन कर दिया है, मतलब अक्टूबर का बैच हुआ ही नहीं, वो नवंबर में होगा। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी उस बैच में जो लोग भी इनरोल थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। एक बार में उन्होंने कुछ भी ऐसा बोला नहीं कि ओके ठीक है मैम आप ठीक हो जाएंगी तो हम करेंगे, थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। आज की वीडियो शुरू करते हैं और आपको आज मैं कुछ न्यू डिज़ाइन बताने वाली हूँ। ये सारे फ्लावर्स जो हैं ये 10-12 इंचेस के डिज़ाइन हैं, कलर दिखा रही हूँ, पॉज करके पढ़ लीजिएगा। और ये जो आजकल दुपट्टा ट्रेंडिंग में है या साड़ी जिस पर आपको बड़े बड़े से पैटर्न्स बनाने होते हैं, तो उस टाइप के ये डिज़ाइन है। ध्यान से देखिएगा किस तरीके से पेंट करेंगे, आगे की बात आगे की वीडियो में बताऊंगी। ब्रशेस भी मैंने आपको शुरू में ही दिखाए हैं, तो दो तीन तरह के ब्रश हैं, आप जो चाहें जिसमें कंफर्टेबल है उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एंगुलर ब्रश यूज़ कर रही हूँ, कलर है ग्रीनरी। तो देखिए इस तरीके से आपको कलर अप्लाई करना है और स्प्रेड करना है लीव में। अब लीव जिस शेप में है उसी शेप में मैं कलर को स्प्रेड कर रही हूँ। ये हमारा पहला कलर था लाइट ग्रीन, ग्रीनरी नेम से ये आ रहा है। अच्छा, कैमलिन की भी न्यू बॉटल आई है, तो वो अब पहले जैसे थोड़ा स्क्वायर शेप में आती थी लेकिन अब वो राउंड शेप में ही आ रही है। ठीक है, उसके बाद हम सैप ग्रीन लेंगे कैमल का और उसको इस तरीके से अप्लाई करना है बाउंड्री पे। देखिए ध्यान से देखिए, पहले अप्लाई कर देंगे और फिर अंदर की साइड पर थोड़ा शेड करेंगे। प्रोसेस बहुत ही सिंपल रखा है मैंने, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा। और ये सारी लीव्स मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताई हुई है, तो आपने वीडियो अगर आप देखते हैं, आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको आइडिया हो गया होगा किस तरीके से पेंट करना है। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को एक दो बार देखिए और सारी वीडियोज़ भी देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी पेंटिंग में जल्दी इम्प्रूवमेंट होता है। ऑनलाइन क्लास के रिलेटेड व्हाट्सएप पे भी बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, तो क्योंकि हमारा अक्टूबर बैच हुआ नहीं तो अब आप ऑनलाइन क्लास अगर आपको करना है नवंबर में, 15 नवंबर से स्टार्ट है, तो उसमें इनरोल कर सकते हैं और इसकी फ़ीस है। ओके, अभी कुछ एक दो शॉर्ट्स बहुत वायरल हो गए हैं फ्री ऑनलाइन क्लास वाला, जब उस टाइम पर मैं करवा रही थी तो उस टाइम पर मैंने शॉर्ट डाला था और वो इंस्टा पेज मेरा चला गया, तो सेम शॉर्ट उठा के मैंने यहाँ पर डाल दिया था यूट्यूब पर और वो बहुत वायरल हो गया, तो उसके बहुत क्वेरीज़ आ रही हैं। तो उस शॉर्ट में जो शॉर्ट डालती हूँ उसी में वीडियो, जो बड़ी वीडियो होती है उसकी लिंक अटैच्ड होती है, तो वहाँ पे से आप नॉर्मली ओपन करके देख सकते हैं। वो मैंने क्यों कराया था, ठीक है, इसका रीज़न ये था क्योंकि 1 लाख सब्सक्राइबर हुए थे, मेरा सिल्वर प्ले बटन आया था तो मैंने कराया था। अभी तक मैं आपके साथ वो बटन शेयर नहीं कर पाई, कुछ ना कुछ ऐसा मैं बिज़ी चल रही हूँ या कुछ ऐसा हुआ कि मैं उसको शेयर नहीं कर पाई। मैं करूँगी आपके साथ, इसीलिए वो मेरी तरफ़ से अपने सब्सक्राइबर के लिए जो मेरे साथ शुरू से थे उनके लिए एक गिफ्ट था और वो मैंने फ्री बैच कराया था। लेकिन जो जनरली ऑनलाइन क्लास होती है उसकी फ़ीस है, अगर आपको वो ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, ये व्हाट्सएप नंबर है, आपको व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है, सिंपली व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल मिल जाएगी, फीस सबमिट करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, 15 नवंबर से क्लासेस करेंगे। ओके, अब सेम इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको सारी लीव्स को पेंट कर लेना, इसमें ज़्यादा डिटेल ऐड नहीं करनी, ठीक है। सिंपली आप लाइट ग्रीन कलर को अप्लाई करिए और जो आउटलाइन है आपकी उस पर आप डार्क ग्रीन लगाइए और अंदर की साइड पर शेड करके ब्लेंड कर दीजिए। सिंपल है ये लेकिन बहुत प्यारा लगेगा, आप इसको दुपट्टे पे साड़ी पे बना सकते हैं, जो बड़े बड़े से पैटर्न्स आते हैं। ये काफ़ी बड़ी डिज़ाइन है, ठीक है, ये फ्लावर्स बहुत बड़े हैं, आप देखिए मेरे हाथ से कंपेयर करेंगे तो ये बड़े से फ्लावर्स हैं। वीडियो में तो मैंने ऐसा एंगल सेट किया है कि आपको सारे एक साथ दिखे, ये 10 या 12 इंच के होंगे आई थिंक, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। लीव हमारी पेंट हो जाएगी बहुत ही इजी तरीके से, फ्लावर को पेंट करना शुरू करेंगे। कलर्स मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं कौन सा कलर है, एग्जैक्टली इसका नेम क्या है। तो डार्क ब्लू, लाइट ब्लू एंड वाइट यूज़ कर रही हूँ। किस तरीके से कलर को अप्लाई करना है ध्यान से देखिएगा, तो इसमें वाइट भी मिक्स करेंगे क्योंकि कहीं कहीं पर हमें लाइट शेड चाहिए और कहीं पर डार्क, तो इसके लिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा, तब आप समझेंगे कि कहाँ पर मैंने कौन सा कलर लगाया है और किस तरीके से लगाया है, ठीक है।
सबसे पहले जो हमारी फ्रंट की सिंपल पेटल्स हैं हम उसको पेंट कर लेंगे, जो हमारे कर्व मुड़ा हुआ पार्ट है उसको अभी हम छोड़ेंगे, ठीक है। और ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करेंगे। देखिए आपको ब्लेंडिंग में टाइम लगता है, कोई बात नहीं, आप उतना टाइम दीजिए, बट एक स्मूथ सा ब्लेंड करने की कोशिश करिएगा। थोड़ी शुरू में आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपका आने लगेगा। अब देखिए यहाँ पे सारे पेटल्स को पेंट कर लिया है, तो जो मुड़ा वाला हमारा पार्ट था अब उसको पेंट करना शुरू किया। इसके लिए मैंने ब्रश भी चेंज कर दिया है, यहाँ पे राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ। आप 3, 4 या 6 कोई भी राउंड ब्रश यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास है। क्यों राउंड ब्रश यहाँ पे किया है, ताकि अच्छी से फिनिशिंग आएगी, और थोड़ा कम पोर्शन है तो जो कलर है वो बाहर फैलने का भी कोई ऐसा चांस नहीं होता। राउंड से कम पोर्शन जब होता है, आपके पास कम एरिया होता है पेंट करने के लिए, तो बहुत अच्छे से पेंट हो जाता है। अब ये तो हो गया हमारा फ्लावर पेंट। और अब पराग के लिए मैं यहाँ पे डियर फुट जो हमारा ब्रश आता है, एक बार मेरे पास क्वेश्चन आया था कि डियर फुट ब्रश का क्या यूज़ है, तो मुझे याद आ गया, तो इस वीडियो में मैंने उसको यूज़ कर लिया और आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं पराग बना रही हूँ, देखिए तो सेंटर में मैं लाइट ग्रीन कलर लगा रही हूँ। ऐसे आपको टैप टैप करके लगाना है एंड देन येलो। जब आप थोड़ा सा टैप टैप करके लगाएंगे तो डियर फुट जो आपका ब्रश होता है उससे एक अच्छा सा आपका उठा उठा सा टेक्सचर आ जाता है, तो आपको ज़्यादा उसमें डिटेलिंग ऐड नहीं करनी पड़ती और आपका बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक भी आ जाता है, इसलिए हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमारा छोटा सा पोर्शन बचा है पेंट करने को। यहाँ पे पैटर्न में क्या बना रही हूँ, तो यहाँ मैं ग्रीन और ब्लू कलर को मिक्स करके पेंट कर रही हूँ। यहाँ पे हम बंद कलियाँ दिखा रहे हैं, ठीक है। अब कली हमारी अभी खिली नहीं है, वो बंद है, तो उसको किस तरीके से दिखाएंगे, तो क्या करेंगे, ग्रीन पार्ट आधा कर देंगे और थोड़ा सा ऊपर वाला पोर्शन छोड़ के उसमें ब्लू को मिक्स करके ब्लेंड कर देंगे। ये सारी चीज़ों से आपका डिज़ाइन का लुक बहुत इन्हेंस हो जाता है। देखिए सिंपल ही डिज़ाइन मैंने बनाई है, बट इसमें थोड़ी मुड़ी मुड़ी सी पैटर्न ऐड कर दिया है, और आपको मैंने पराग बता दिया किस तरीके से बनाना है, और ये पैटर्न आप ऐड कर देंगे तो इससे आपका डिज़ाइन का लुक बहुत अच्छा हो जाएगा। अब इस डिज़ाइन को दुपट्टे पे बना सकते हैं, साड़ी पे बना सकते हैं, जहाँ आपको बड़ा सा एक पैटर्न बनाना है, बड़े बड़े से फ्लावर्स बनाने हैं, तो इसको वहाँ पे बना सकते हैं। ये मेरा ओरिजिनल आर्ट वर्क है, इसको आप पर्सनल यूज़ के लिए बना सकते हैं, बट सेम कॉपी पेस्ट करके नहीं डाल सकते। सेकेंड आपकी जो रिक्वेस्ट आई थी बेडशीट की और एक दो और, तो वो सब मैंने पढ़ ली थी, बट
मैंने आपको बताया कि मेरी थोड़ी आजकल हेल्थ का इशू चल रहा है, तो मैंने दो बेडशीट बनाई, एक बहुत इजी और एक थोड़ा सा मैंने थोड़ा अच्छे लुक पे बनाए हैं। तो दोनों ज़्यादातर तो कंप्लीट हो ही गई है, एक दो बंच ही बचे हैं, उसका वीडियो मैं बना के जल्दी डाल दूँगी। आप प्रे करिएगा कि मैं जल्दी से बना लूँ, तो वो मैं डाल दूँगी, क्योंकि इधर बीच बहुत लोगों को बनाना था अपने सिस्टर के लिए ऐसे देने के लिए शादी एंड ऑल। मैंने कोशिश की थी कि मैं कंप्लीट कर लूँ, बट मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है तो फिर मैं डाल नहीं पाई, तो वो मैं आपके साथ जल्दी शेयर करने की कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही, ये डिज़ाइन का कंप्लीट लुक, आई होप कि आपको पसंद आए हो। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर। मिलते हैं न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।